नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव आपकी इन आदतों के कारण हो जाते हैं। शनि देव नाराज जी और आपके जीवन में आ जाती हैं घनघोर परेशानी। आप फिर चाहें कुछ भी कर लें, जीवन में कभी सुख से नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आज से ही अपनी इन आदतों को बदल दें, वरना पछताओगे। जी हां मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि शनिदेव को हिंदू धर्म में न्यायप्रिय देवता और दंडनायक माना गया है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देना शनिदेव के अंतर्गत आता है। इसी कारण से शास्त्रों में शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए इसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि शनिदेव को व्यक्ति की कौन सी आदतें पसंद नहीं हैं जिनके कारण वह क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे जानते हैं उन आदतों के बारे में, उन गलतियों के बारे में। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खास जानकारी लाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मित्रों, बात करते हैं सबसे पहली उस बुरी आदत के बारे में। तो उसमें है सबसे पहले पैर को घसीटते हुए चला। जी हाँ, जो लोग पैर को घसीटते हुए चलते हैं वो आज ही हो जाए सावधान। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैर को उठाकर चलने की बजाय घसीटते हुए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैर घसीटकर चलना एक प्रकार से शनिदेव का अपमान करने के समान है, क्योंकि शनिदेव की चाल धीमी और आघात लगने के कारण घसीटकर चलने वाली है। तो इसके लिए ये आप याद रखें कि कभी भी पैर को घसीटते हुए ना चलें। आपको बचपन से ही घर के बुजुर्गों द्वारा इसके लिए टोका भी गया होगा, तो आज ही बंद कर दें ऐसे चलना। अब बात कर लें दूसरी गलत आदत की, जो कि खास तौर पर घर की महिलाओं के लिए है। वो क्या है तो आपको बता दें, वो है बाथरूम और रसोई को साफ ना रखना। जी हाँ, बाथरूम टॉयलेट में राहु ग्रह का अधिकार माना गया है, वहीं रसोई में मां अन्नपूर्णा का निवास होता है। ऐसे में अगर घर का टॉयलेट, बाथरूम या घर की रसोई स्वच्छ न हो तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि रोजाना बाथरूम टॉयलेट और रसोई की साफ सफाई करनी चाहिए। अब जल्दी से जान लेते हैं तीसरी ऐसी गलत आदत के बारे में, तो वो है मित्रों किसी के लिए हुए पैसे ना लौटना। जी हाँ, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं और समय पर लौटाए नहीं है तो इस आदत से भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसे करते हैं तो यह उचित नहीं है। इससे न सिर्फ शनिदेव बल्कि सभी अन्य ग्रह भी रुष्ट हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही छोड़ डेच दें इस आदत को, वरना पछताओगे। अब बात कर लें चौथी आदत के बारे में। तो मित्रों, चौथी आदत है बैठे बैठे पैर हिलाते रहना। जी हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बैठकर काम कर रहे हों या फिर खाली बैठे हों, अपने पैर हिलाते रहेंगे। इस आदत से भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। हर समय पैर हिलाने से राहु को बल मिलता है और राहु का दुष्प्रभाव बढ़ने लगता है। तो आज ही इस आदत को अपनी को सुधारें, वरना जीवन भर परेशान ही रहोगे। तो मित्रों, ये थीं वो गलत आदतें जो कि आप में हैं, तो इन्हें जरूर सुधार लें, वरना जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके जानकारी में किसी में ये आदत है तो इस वीडियो को उसके पास अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।